It's a nice big party. Chalo, World Cup jayenge. Maze karenge. England mein khelenge. Haar gaye to haar gaye, jeet gaye to jeet gaye. Kaun si badi baat hai? भारत ने विश्व कप से पहले केवल दो एक दिवसीय मैच खेले थे और टीम जीत की कोई भी उम्मीद लेकर नहीं गई। टीम अनाउंस हुई है एज वर अ पास टाइम यू नो नो वन वाज सीरियस एवरीबॉडी न्यू दैट वी हैव नो चांस ऑफ डूइंग एनीथिंग। किस तरह खेला जाए, क्या स्ट्रेटजी है, क्या नहीं, तो बस ठीक है, एक इट्स अ नाइस बिग पार्टी। चलो वर्ल्ड कप जाएंगे, मजे करेंगे, इंग्लैंड में खेलेंगे, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, कौन सी बड़ी बात है। इस प्रतियोगिता के दौरान ग्रुप स्टेज में हम तीन मैचेस खेले और केवल एक में ही जीत हासिल की, और वो भी एक ऐसी टीम के विरुद्ध जो कीनिया, युगांडा, टंजानिया और नॉर्दर्न रोडीजिया में से सबसे अच्छे एमेचर प्लेयर्स को इकट्ठा करके ईस्ट अफ्रीका के नाम से वर्ल्ड कप में आई थी। उसी से हम जीत सकते थे क्योंकि वही सबसे कमजोर टीम थी और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। आप कह सकते हैं सैंडी भाई में 1975 वर्ल्ड कप का रेलेवेंस इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं जब छोटा था, बचपन में क्विजर थे, तब हम लोग पढ़ते थे मदनलाल ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के इतिहास में पहला गेंद डाले थे। हाँ, मेरे को बताया बाद में लोगों ने, काफी लोगों ने बताया कि मैंने फर्स्ट बॉल किया था। मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैंने फर्स्ट बॉल किया। फर्स्ट किया हो या लास्ट किया, उसका क्या फायदा है इफ यू नॉट परफॉर्मिंग वेल। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।